अब्दुरोजिक एक ताजिक गायक संगीतकार ब्लॉगर और बॉक्सर है उनके नाम दुनिया के सबसे छोटे सिंगर होने का रिकॉर्ड है रोजिक उर्फ कुल मोहम्मद रोजिक की मंगलवार तेईस सितंबर 2003 को गिश पंजाब पंजाकिट जिला ताजिकिस्तान में पैदा हुआ था उनकी राशि तुला है उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दसवीं कक्षा तक की बाद में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखना शुरू किया बहुत कम उम्र में उन्होंने गिर दरवा की सड़कों पर एक गायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था 2019 में जब वह गिर दरवा की सड़कों पर गा रहे थे तो उन्हें ताजिकिस्तान ब्लॉगर रैपर बैरन का समर्थन प्राप्त हुआ उन्होंने अब्दू के पिता को उन्हें गायन में कैरियर बनाने की अनुमति देने के लिए राजी किया अब्दू के पिता ने उन्हें अनुमति दी और बाद में अब्दू बैरन के साथ दुबई चले गए शुरुआत में बैरन अब्दू की आर्थिक मदद किया करते थे अब्दू की ऊंचाई तीन फुट एक इंच है उनका वज़न अठारह किलो है बालों का रंग भूरा है आँखों का रंग भूरा उनके पिता का नाम सावरिक्ल मोहम्मद और माता का नाम रू अफजा है उनके माता पिता माली है अब्दुलरोजी की दो बहन और दो भाई हैं एक इंटरव्यू में उन्हें बताया था कि एक बार एक लड़की के साथ वे रिलेशनशिप में थे अब्दुल रोजीक इस्लाम का पालन करता है बचपन में उन्हें एक बीमारी जिन्हें रिकेट्स खा जाता है जो एक वृद्धि आरमन होता है उसकी कमी के चलते उनका शरीर छोटा रह गया उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे उनकी बीमारी के लिए उचित चिकित्सा उपचार का खर्च नहीं उठा सकते थे जिसके परिणामस्वरूप उनका शारीरिक विकास रुक गया एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि उनकी चिकित्सा स्थिति से उनके आत्मसम्मान को प्रभावित किया है तो अवधु ने उत्तर दिया ज़रूरी नहीं मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास ना नौकरी है ना अच्छा परिवार है ना पैसा है मैंने भी काफ़ी संघर्ष किया है लेकिन अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ उससे खुश हूँ मैं दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार के साथ मंच साझा किया मुझे अपने करियर में और क्या चाहिए मैं ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ जिनकी स्थिति ऐसी ही है मेरा मानना है कि हर कोई किसी न किसी तरह से खास होता है एक अब्दू ने ओ ही दिल जोर चाकी चौकी बोरौन और मोदुर जैसे विभिन्न भी ताजिकिस्तानी गीतों को अपनी आवाज़ दी है एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने गाना शुरू किया उन्होंने कहा मैंने गाने कैसेट्स पर सुनकर सीखे जब भी मुझे तनाव आता था मैं खुद को विचलित करने के लिए गुनगुनाना था और गाता था आखिरकार गायन एक जुनून बन गया मैं गांव में रहता था इसलिए मैं बाजारों में गाता था मेरे सोशल मीडिया पेज पे अभी भी वे वीडियो हैं जब मैंने शुरुआत की थी उनके गाने यूट्यूब चैनल अब्दुल रोजिक पर उपलब्ध हैं उनके अधिकांश गीतों के बोल उनके जीवन में हुए संघर्षों पर आधारित है दो तो हज़ार इक्कीस में उन्होंने ओके जानू के अरिजीत सिंह का हिंदी गाना एन सोना गाते हुए उनका एक वीडियो अपलोड किया था उन्हें आई आई एफ ए पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिल्म उन्नीस सौ बयालीस एक लव स्टोरी गी, का हिंदी गीत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गया उन्होंने सलमान खान को गीत समर्पित किया जो इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे इवेंट के बाद सलमान खान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें गले लगाया अब्दू के पास रोल्स रॉयस और मर्सिडीज बेंज कारें हैं 2022 तक उनकी कुल संपत्ति दो करोड़ रुपए है अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद